संपूर्ण लॉकडाउन, सूनी सड़कें, सड़कों पर पुलिस का पहरा और घरों में कैद लोग, क्या एक बार फिर वैसा ही सन्नाटा पसरने वाला है जैसा एक साल पहले कोरोना की पहली लहर की वजह से बागेश्वर में था। ये सवाल बेहिचक लॉजिक के तराजू में तोलिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार दुगनी रफ्तार से कहर बनकर टूट रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना केस आए, कुल संक्रमितों की संख्या 69 है। बागेश्वर में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च 2021 से दोबारा कौसानी व बिलौना में स्टेजिंग एरिया को खोल दिया गया था। इसके बाद लगातार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही थी। 5 अप्रैल से लेकर अब तक के आंकड़े, 5 अप्रैल को 5 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 29 पहुंच गई। 6 अप्रैल को 8 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 33 पहुंच गई और 4 मरीज डिस्चार्ज हुए। 7 अप्रैल को 2 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 33 पहुंच गई और 2 मरीज डिस्चार्ज हुए। 8 अप्रैल को 5 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 38 पहुंच गई। 9 अप्रैल को 8 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 44 पहुंच गई और 2 मरीज डिस्चार्ज हुए। 10 अप्रैल को 7 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 48 पहुंच गई और 3 मरीज डिस्चार्ज हुए। 11 अप्रैल को कोई भी मामला सामने नहीं आया, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 43 पहुंच गई और 5 मरीज डिस्चार्ज हुए। 12 अप्रैल को 9 मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 52 पहुंच गई। 13 अप्रैल को 17 मामले सामने आए, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 69 पहुंच गई और 5 मरीज डिस्चार्ज हुए। वही आपको बता दें कि बागेश्वर में कोरोना के पहले चरण में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब ये देखना होगा कि इस बार कोरोना से बचने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वाट की लाइट्स में 6000 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंडेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए, ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।